राधे राधे मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं स्वप्निल प्यासी आप सभी का स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर, जहाँ पर आप मध्य प्रदेश से संबंधित कई प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, इन सभी की तैयारी बड़े ही बेहतर तरीके से हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं, जिनमें कुछ हैं मैम राजुल श्रीवास्तव, शुभम गुप्ता सर, हिमांशु तिवारी सर, दिनेश ठाकुर सर, शैलेंद्र सर, अजय सर, सन्मति जैन सर। मेरा नाम स्वप्निल प्यासी है एंड आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ प्यासी क्लासेस दमोह। आई ऑल्सो हैव 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन माई होम टाउन दमोह, वेयर आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 5 ईयर्स फॉर एमपीपीएससी एंड रिलेटिव एमपी एग्जाम्स। आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड सो मैनी एग्जाम्स लाइक एम पी पुलिस, एम पी एस आई, एम पी टेट एंड सो ऑन। सो गाइज, यू शुड ज्वाइन द अन अकेडमी। यू विल गेट हियर डेली लाइव क्लासेस। यू कैन चैट विद योर एजुकेटर। आप अपने एजुकेटर के साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं। यू कैन एंगेज इन डिस्कशन, डिस्कशन में उनके साथ एंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं एंड आंसर पोल्स ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। यू विल ऑल्सो गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वेयर और ऑल कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू द बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आर ऑल्सो अवेलेबल हियर टू एवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद अवर रेगुलर मॉक टेस्टेस एंड क्विजेस एंड गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। यू विल ऑल्सो गेट अनलिमिटेड एक्सेस हियर। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, यू विल ऑल्सो गेट लाइव क्लासेस। यू विल एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। ओके, वी ऑल्सो हैव सो मैनी टॉप एजुकेटर्स लाइक पवन चौधरी सर, शुभम गुप्ता सर, रूप सिंह यादव सर, गौरव शर्मा सर, अमित शुक्ला सर एंड सो ऑन। यू विल ऑल्सो गेट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, 24 कोर्सेज इन ज्योग्राफी, सेम एज हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस, टेक, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, सी सेट एंड करंट अफेयर्स। वी हैव सो मैनी अवेलेबल कोर्सेज हियर। नाउ लेट वी टॉक अबाउट एम बी पी एस सी एंड व्यापम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर हम एम बी पी एस सी और व्यापम सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो सब्सक्रिप्शन का जो पोर्शन रहेगा, ये जब आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको 12 महीने का 7,000 पड़ेगा और 24 महीने का ये आपको 8,400 पड़ेगा। लेकिन यदि आप मेरा कोड यूज़ कर उपयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है SWAPNIL। प्लीज़ लिसन अगेन, SWAPNIL। आप मेरा ये कोड यूज़ करें और इस कोड के थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो आपकी वो फीस जो 12 महीने की 7,000 है, घट के 10% के डिस्काउंट के बाद हो जाएगी 6,300। और यदि आप 24 महीने का कोर्स ले रहे हैं तो ये घट के हो जाएगी 7,560। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा 24 महीने का कोर्स लीजिए जो आपको 7,560 में पड़ेगा। इसको यदि ध्यान से देखें तो एक महीने का 315 रुपये पर महीने से भी कम में ये आपको पड़ेगा। सो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी एंड गेट योर प्रिपरेशन स्टार्टेड। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। कल हमने चर्चा की थी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस की। इस क्लास में पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ एमपीपीएससी मेंस एग्जाम सिलेबस के पर्पस में चर्चा करना चाहूँगा। तो एमपीपीएससी मेंस एग्जाम सिलेबस में जो पेपर फर्स्ट है उसका सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में हम इतिहास एवं संस्कृति देखेंगे। क्या देखेंगे? इतिहास एवं संस्कृति। इसकी जो इकाई एक है, इकाई एक में हम देखेंगे भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, जो कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? 10वीं शताब्दी तक। और इसको हमें एक विस्तृत तरीके से देखना है। दूसरी जगह हम बात करें, इकाई दो की चर्चा करें हम। इकाई दो में हमें 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास हमें क्या करना है? देखना है।
अगली बात करते हैं, इतिहास में मुगल शासक, उनका प्रशासन कैसा रहा है, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, इन सब के बारे में भी आगे हमें जानना है। जो इकाई दो में ब्रिटिश शासन का इंडियन इकोनॉमी पर यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका भी डिस्क्रिप्टिव वे में हमें अवलोकन करना है। इसको हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें ध्यान से, ये आपकी क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी में भी रहेंगी और इंग्लिश में भी। तो लेट वी सी हिस्ट्री एंड कल्चर। द यूनिट फर्स्ट इज अबाउट इंडियन हिस्ट्री वेयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी हैव टू सी फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन टू 10th century। ओके, इन द सेकेंड यूनिट वी विल सी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल ऑफ इंडियन फ्रॉम 11th to 18th century, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मुगल रूलर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंस ऑफ मिक्स्ड कल्चर। नेक्स्ट वी विल सी इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी पर ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट क्या रहा। आगे बात करते हैं, हिंदी मीडियम में देखें, इकाई तीन में हम देखेंगे ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही। ये प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से विद्रोह और आंदोलन के रूप में रहीं, जिनमें कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा भारतीय पुनर्जागरण की बात करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ताओं की चर्चा है। अगला है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं जो रही हैं उनका भी विश्लेषण हमें यहाँ पर करना है। इकाई चार में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है। भारतीय संस्कृति विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में हमें यहाँ पर देखना है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के जो प्रमुख पक्ष हैं वे कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये इकाई चार के सेकंड पार्ट में हमें देखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन हैं वो क्या हैं, उनकी क्या विशेषता हैं, वो भी हमें इकाई तीन और इकाई चार में हमें ये चीज़ें देखनी है। इसको हम इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में हम बोलें तो इंडियन रिएक्शन टू ब्रिटिश कॉलोनी, रिवोल्ट ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट, स्ट्रगल इंडियन रेनेसा, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड इट्स लीडरशिप। सेकेंड इज राइज ऑफ इंडियन एज रिपब्लिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इवेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या बड़े घटनाक्रम आज़ादी के बाद रहे हैं वो। इन द यूनिट फोर वी विल सी इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का इंडियन मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेशन रहा है वो। इंडियन कल्चर हेरिटेज विद स्पेशल रेफरेंसेस टू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वी सी द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर, फेस्टिवल्स एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। द नेक्स्ट पोर्शन इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ पेपर फर्स्ट। अंतिम और पांचवी यूनिट पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए की वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जिनमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश की रियासतों में गोंडवाना रियासत, बुंदेली रियासत, बघेली रियासत, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत, प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनके विशेष संदर्भ में इनको अध्ययन किया जाएगा और वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में कुछ चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। वी विल ऑल्सो सी इन दिस, यहाँ पर अंग्रेजी में देख लेते हैं, मेजर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश,
गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, द नेक्स्ट इज होलकर, सिंधिया, भोपाल, प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम एंशियंट टू इंडिपेंडेंस. इन द जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश वी विल ऑल्सो सी ऑल दिस थिंग्स. पेपर फर्स्ट सेक्शन बी ऑफ जियोग्राफी, पहले पेपर का सेक्शन बी जो कि 150 नंबर का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वह भूगोल का हिस्सा है. इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का नहीं, पहले हम देखेंगे विश्व का भूगोल, उसके भौतिक लक्षण, जिसमें हम पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या हैं, नदियाँ क्या हैं, झीलें और हिमनद, इनको एक एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर बड़े विस्तृत रूप में हमें यहाँ देखना है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं. दूसरी, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं देखेंगे, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं जिनमें हम बात करेंगे भूकंप की, कैसे उत्पत्ति होती है, विश्व के अंतर्गत प्रमुख जोन्स क्या हैं, वो सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, ये भी बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सेक्टर है इसका, मेंस का. फिर विश्व की जलवायु में हम देखेंगे, जलवायु एवं ऋतु में वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है. इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं. फर्स्ट वी हैव टू सी वर्ल्ड ज्योग्राफी मेजर फिजिकल फीचर्स, लाइक वी विल सी माउंटेन्स, प्लेट्यूस, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स. नेक्स्ट, मेजर जियोग्राफिकल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्शंस एंड साइक्लोन्स क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट वी हैव टू सी क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन क्लाइमेट एंड सीजन एंड क्लाइमेट. यहाँ पर यूनिट फर्स्ट को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में देखा. अगला जो यूनिट सेकेंड है वो भारत का भूगोल है. पहला था विश्व का भूगोल, दूसरी यूनिट इसमें रहेगी भारत का भूगोल. भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में सबसे पहले प्रमुख भौतिक स्वरूप क्या है. भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप का मतलब है भारत के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद. इतना ही नहीं, इनके फीचर्स और क्या क्या विशेषताएं इनकी हैं, इनको भी डिस्क्रिप्टिव मैनर में देखेंगे. भारत के भू आकृतिक प्रदेश कौन से हैं, भारत के भू आकृतिक प्रदेश कौन से हैं. उसके बाद हमें देखना है जलवायु, क्या देखना है जलवायु. जलवायु के बाद हम देखेंगे, जलवायु में देखेंगे हम मानसून की उत्पत्ति. यहीं पे एल नीनो और ला नीनो की चर्चा आती है. जलवायु एवं ऋतु की चर्चा यहाँ पर करेंगे. भारत में वर्षा के वितरण और जलवायु प्रदेशों की विस्तृत चर्चा यहाँ पर हमें करना है. इसके बाद अगला पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या से है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या से है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, उसका घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, इनसे संबंधित समस्याएं और उनके समाधान, समस्याओं के कारण, एक बड़े विस्तृत तरीके से डिस्क्रिप्टिव मैनर में हमें देखना है, ताकि मेंस को बड़े अच्छे तरीके से लिख सकें. अगली चीज़ है खाद्य प्रसंस्करण. क्या है खाद्य प्रसंस्करण और उससे संबंधित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटिव इंडस्ट्रीज. संभावनाएं एवं महत्व, भारत के पर्सपेक्टिव में खाद्य प्रसंस्करण की क्या संभावनाएं हैं, क्या उनसे निकल के आ सकता है जो भारत के डेवलपमेंट में सहायक हो, और उनसे संबंधित जो उद्योग हैं वो क्या हैं, उसका महत्व क्या है. स्थानीय उद्योगों की पूर्ववर्ती आवश्यकता और पूर्ति प्रबंधन, ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है. प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, यहाँ पर हमें क्या देखना है, नेचुरल रिसोर्सेस टाइप, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार और उनके उपयोग. इसमें नंबर एक पोर्शन में हम देखेंगे जल, वन और मृदा, दूसरे में सेल एवं खनिज. ठीक है, भारत के भूगोल को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. ठीक है, मेजर फिजिकल फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स. जो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, विच ऑल आर द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया एंड देयर फीचर्स, उनकी विशेषताएं हमें यहाँ पर देखना है. नेक्स्ट, क्लाइमेट, ओरिजिन ऑफ मानसून, एल नीनो, क्लाइमेट एंड सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेट इन इंडिया. नेक्स्ट पोर्शन इज पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डेंसिटी, सेक्स रेशो, लिटरेसी, माइग्रेशन,
rural and urban population, what all are the their problems and their उनकी परेशानियाँ और उनके निदान क्या हैं, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे. नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, प्रोस्पेक्टस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट प्री रिक्वेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज. आफ्टर दैट वी विल सी नेचुरल रिसोर्सेस, देयर टाइप्स एंड यूजेस. फर्स्ट इज वाटर, फॉरेस्ट, सोइल. नेक्स्ट इज सेल एंड मिनरल्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इकाई तीन की. इकाई तीन का जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा संबंधित काय से है, मध्य प्रदेश के भूगोल से. तो फिर वही चीज़ यहाँ पर भी हम देखेंगे, मध्य प्रदेश की भू आकार की, नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भूगोल के परस्पेक्टिव में नर्मदा घाटी और उससे लगा हुआ मालवा का पठार विशेष महत्व रखता है. ठीक है, यहाँ से कई बार प्रश्न मेंस में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि मालवा को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन मालवा में होता है. इस तरीके के कई क्वेश्चन सिक्स लाइनर, थ्री लाइनर, थ्री मार्कर और फाइव मार्कर में पूछे जा चुके हैं. प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, उसके बाद मध्य प्रदेश की मृदा, जहाँ पर मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, उसके बाद मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण और उसके ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा का संरक्षण और इसके संबंध में नियोजन, ये चीज़ हमें क्या करनी है, देखनी है. जो आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर में उभर के आएगा वो यहीं से होगा. अगला है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन. खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उनके प्रकार, उनका वितरण और उनका उपयोग, इस पर्सपेक्टिव में हमें इसके चौथे पोर्शन में हमें चर्चा करना है. उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्या हैं, उनमें भी कृषि उत्पाद, वन, खनिज आधारित उद्योग, ये कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करनी है. उसके बाद अगला पोर्शन है राज्य की जनजातियों का, जिनमें आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या निराकरण किए जा सकते हैं, इन चीज़ों को हमें देखना है. ठीक है, यूनिट थ्री ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं. मेजर जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द नर्मदा वैली एंड द मालवा प्लेट्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट. ठीक है, नेक्स्ट इज सोइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द यूनिट थर्ड. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, सोइल प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोइल, सोइल इरोजन, डिग्रेडेशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑफ सोइल, अफेक्टेड सोइल एंड इट्स मॉडिफिकेशन, सोइल कंजर्वेशन, प्लानिंग ऑन वाटर बेस्ड बेसिस. ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. व्हाट इज दैट, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, देयर टाइप, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर यूजेस, यहाँ पर इसकी भी हमें चर्चा करनी है. मेजर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड द लास्ट पोर्शन इज ट्राइब्स ऑफ द स्टेट विद स्पेसिफिक रेफरेंसेस टू डिजास्टर स्ट्रिकन ट्राइब्स. ओके, यहाँ पर हमने तीसरी यूनिट देखी. फर्स्ट पेपर के सेकेंड सेक्शन की चौथी यूनिट जो है वो है जल एवं आपदा प्रबंधन, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेयजल की. काय की चर्चा करेंगे, पेयजल, पेयजल की आपूर्ति, उसकी अशुद्धि के कारण और गुणवत्ता प्रबंधन, तीन पॉइंट्स पे हमें यहाँ पर क्या करना है, चर्चा करना है. इसके बाद जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है उसके विषय में चर्चा, उसके तरीके, उसके तरीकों में एक महत्वपूर्ण तरीका हो जाता है भूजल एवं जल संग्रहण, क्योंकि पिछले ही वर्ष हमें ये सूचना मिली, हम पढ़ते हैं कि भारत के लगभग 21 शहर ऐसे हो चुके हैं जिनमें जमीन के नीचे भूमिगत जल स्तर जो है लगभग खत्म होने की कगार पे है, और चेन्नई तो एक ऐसा शहर हो चुका है जहां पर ये चीज़ें खत्म हो गई हैं. तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या निकल के आपके सामने आ रही है, या हम सभी के सामने है भारत में ये, तो इसके संबंध में भी हमें चर्चा करनी है. ठीक है, आगे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएँ, नेचुरल और मानव निर्मित आपदाएँ वो क्या हैं, उनका प्रबंधन, उनकी अवधारणाएँ एवं विस्तार की संभावनाएं
विशिष्ट खतरे क्या हैं और उनका शमन किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर एक पोर्शन ये आपदाओं से संबंधित है। अभी हाल में एक प्राकृतिक आपदा जो आपके सामने आई है वो कौन सी है? वो आपके सामने जो प्राकृतिक आपदा आई है वो एक रोग के रूप में आई है, उसको हम बोलते हैं कोरोना। उसके संबंध में भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी दूसरे तरीके की, यहाँ हमें भूगोल के पर्सपेक्टिव में देखना है, ये दूसरी। अगली चीज है सामुदायिक योजना। क्या है? सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। ये इकाई चार में इतनी चीजें हमें विशेष रूप से देखना है। इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन इज वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू इट वी विल सी फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर कॉजेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन वी विल सी वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर एंड वाटर स्टोरेज, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, देयर मैनेजमेंट कंसेप्ट, पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंशंस एंड स्पेसिक हैजार्ड, देयर समेशन। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन इज कम्युनिटी प्लानिंग। व्हाट इज दिस? कम्युनिटी प्लानिंग, वी विल सी इट इन अ वेरी बिग डिस्क्रिप्टिव मैनर। रिसोर्सेज मैपिंग, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इफिशियंसी फॉर सेफ कंस्ट्रक्शन, अल्टरनेटिव ऑफ कम्युनिकेशन एंड सर्वाइवल्स। दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ सेक्शन बी ऑफ फर्स्ट पेपर, इकाई पांच, हिंदी में इसको देखते हैं। भूगोल की आधुनिक तकनीक, भूगोल के संबंध में आधुनिक तकनीकें क्या हैं उनके विषय में चर्चा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सुदूर संवेदन की। काय की बात करते हैं? सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धांत की। सिद्धांत के बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, काय की चर्चा करेंगे? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उसके घटक, उपग्रहों के प्रकार और सुदूर संवेदन का उपयोग। अगला पोर्शन है GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके घटक क्या है, इसके उपयोग क्या है। फिर देखेंगे GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि भौगोलिक पोजीशनिंग सिस्टम, इसकी आधारभूत संकल्पना और उपयोग। अब इसको देखेंगे भारत के डिफेंस में इसका बहुत ही उपयोग होता है, तो यहाँ पर हमें इसको विशेष संदर्भ में देखना है। इसको एक बार इंग्लिश में देख लें तो देखेंगे क्या है। मॉडर्न ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज दिस? रिमोट सेंसिंग थ्योरी ऑफ इट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट सैटेलाइट्स यूजिंग रिमोट सेंसिंग। आगे बात करते हैं GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज दिस? Geographic Information System GIS. What is this? Components and uses of it we have to see. And the next thing is GPS we have already read about it. Geographical Positioning System, basic concept of it and its uses in Indian defense and what is the use of GPS in Indian culture. इसमें भारत में इसका क्या उपयोग हो रहा है, ये हमने यहाँ पर पहले पेपर की पीछे चर्चा करी है, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री कैसे रहा है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री और उसका दूसरा पोर्शन था ज्योग्राफी से, तो इतिहास और भूगोल काय कैसे रहा है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब इसके बाद हम दूसरे पेपर की चर्चा करते हैं जिसका नाम है MPPSC मेन एग्जाम सिलेबस पेपर सेकेंड सेक्शन ए जनरल स्टडीज, जिसमें हमें यह देखना है, ध्यान से यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, संविधान। फिर क्या लिखा हुआ है, शासन व्यवस्था। नेक्स्ट पोर्शन है राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी विशेषताएं, मूल ढांचा क्या है और संवैधानिक संशोधन के बारे में विस्तृत चर्चा यहां पर करनी है। दूसरा पोर्शन है वैचारिक तत्व का, वैचारिक तत्व में उद्देशिका, प्रीएम्बल, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, जो कि संविधान के या भारतीय राज्य व्यवस्था के
जो वैचारिक तत्व है वो। इसके बाद संघवाद, क्या है संघवाद? संघवाद में केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन के बाद न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका, इन सभी चीजों पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। तो ये बात हुई इकाई एक की। इकाई एक को इसको एक बार फिर से हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल एलिमेंट्स, जो कि हैं प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है एंड आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्शन इज फेडरलिज्म सेंटर। व्हाट इज दिस फेडरलिज्म? सेंटर स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू। व्हाट वी हैव टू सी? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत एंड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वी हैव टू सी हियर इन द यूनिट फर्स्ट ऑफ पेपर सेकेंड सेक्शन ए। दूसरी इकाई इसकी जो है वो है भारत निर्वाचन आयोग। क्या है? भारत निर्वाचन आयोग। फिर उसके बाद नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके बाद है नीति आयोग। ठीक है, दूसरे पोर्शन में भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में। फिर उसके बाद राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार क्या है, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की जानी है। इसको एक बार इंग्लिश में फिर देखें। ये क्लास आपको बता दूं, मैं क्लासेस बाइलिंगुअल लूंगा, तो ना हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान होंगे ना ही इंग्लिश मीडियम के। फिर से मैं बता दूं, जिनकी हिंदी कमजोर है इनकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इन द यूनिट सेकेंड ऑफ पेपर सेकेंड सेक्शन ए वी विल सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, UPSC यूनियन पब्लिक सर्मी कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक कमीशन एंड नीति आयोग। द सेकेंड पोर्शन रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स, नेक्स्ट सिविल सोसाइटी एंड मास मूवमेंट, नेक्स्ट इश्यू रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, आंतरिक सुरक्षा, वी विल सी इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी इट इज द न्यू पोर्शन विच इज इंक्लूडेड इन MBBPSC मेंस पेपर सेकंड। इकाई तीन, दूसरे पेपर की इकाई तीन की चर्चा करें, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे संविधान का जो कि 73वां और 74वां संशोधन है, उसके संदर्भ में जनभागीदारी और स्थानीय शासन, इनको विशेष तौर पे हम देखेंगे, क्योंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है जवाबदेही एवं अधिकार। क्या है? जवाबदेही एवं अधिकार, जिसमें हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम। जवाबदेही इन लोगों की बनती है और अधिकार हमारे यानी कि उपभोक्ताओं के हैं। सूचना आयोग, कुछ लोगों की ये जवाबदेही है, कुछ लोगों का ये अधिकार है कि हमें सूचना मिले, सूचना आयोग। महिला आयोग। इसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद एक केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनकी विशेष तौर पर विस्तृत चर्चा करना है। फिर लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, जिनमें राजनैतिक प्रतिनिधित्व अपने यहां पर किस तरीके का है, अन्य देशों में किस तरीके का है, उनसे अपना ये सिस्टम किस तरीके से अलग है, और कई तरह के प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी किस तरीके से है, इसकी चर्चा। इसके बाद क्या लिखा है, समुदाय आधारित संगठन। नेक्स्ट है गैर सरकारी संगठन।
और स्व सहायता समूह, इनकी भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो क्या है, क्या इनमें कमियां हैं, क्यों ये चीज़ें फेल हुई हैं, या किस तरीके से इनको ऊपर वापस सशक्तिकरण के करके आगे लाया जा सकता है, इस अप्रोच से हम इसको अध्ययन करेंगे। मीडिया, मीडिया की भूमिका और उसकी समस्याएं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित क्या समस्याएं हैं, क्या उनके निराकरण हो सकते हैं, क्या इनसे जुड़े मुद्दे हैं जो कि आपकी परीक्षा का विषय बन सकते हैं। तो चलो इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द यूनिट 3 और पेपर 2, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लोकल गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स, कंपटीशन कमीशन, कंज्यूमर फोरम, इंफॉर्मेशन कमीशन, वुमेन्स कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, ST/ST OBC कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन सब की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। नीचे देखें, नीचे पोर्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, विस टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वी हैव अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एंड सोशल मीडिया। तो ये हुआ यूनिट 3। अब इसके बाद इसकी यूनिट 4, इकाई 4 की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इनकी हम चर्चा करेंगे, जिनमें वी विल सी फर्स्ट कौटिल्य, कौटिल्य चाणक्य जिनको हम बोलते हैं, फिर देखेंगे महात्मा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय एंड जयप्रकाश नारायण। इनके विचार क्या हैं भारतीय राजनीति में, इनके विचारों का क्या योगदान है, इनके दर्शन क्या है, इनका नज़रिया क्या रहा है, उसको अध्ययन करेंगे, ताकि हम आने वाली समस्याएं जो कि हम अपनी ड्यूटी के दौरान हम फेस कर सकते हैं, उनको समझने में, उस सुलझाने में हेल्प ले सकें। इकाई 5, प्रशासन एवं प्रबंधन। प्रशासन एवं प्रबंधन में, यानी कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर रहेगा मुख्य रूप से, इसको हम देखेंगे। अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस तरीके से हुआ है, नवीन लोक प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या है। ठीक है, आगे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, वो कॉन्सेप्ट हैं शक्ति के संबंध में, सत्ता के संबंध में, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, इनको भी हम चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संगठन के सिद्धांत, क्या देखेंगे, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, और उसके बाद हमें देखना है लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। तो इनको एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यूनिट 4 तो हमने देख ही लिया है, यूनिट 5 को देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इट्स मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपमेंट, डेवलपिंग सोसाइटीज एंड डेवलपिंग सोसाइटी, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द लास्ट पोर्शन इज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमने ये पेपर 2 को देखा। इसकी इकाई 5 की हम चर्चा कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट जो पावर है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डेलीगेशंस हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या होने चाहिए, फुट स्टेप्स हैं, एरिया ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट इज न्यू डायमेंशंस ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट एंड डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन,
दीज थिंग्स आर वी हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव टू रीड इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर फॉर MBBPSC मेंस। पेपर सेकंड का ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ जिसमें हमने राजनीति पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन और विचारक से संबंधित चीज़ों को हमें पढ़ना है। इसके बाद जो हम अगले पेपर की चर्चा करेंगे पेपर सेकंड में सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी की चर्चा करेंगे और ये जो पोर्शन रहेगा ये मुख्य रूप से रहेगा इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से संबंधित रहेगा। कैसे रहेगा? इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, दो चीज़ों की हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो है भारत में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं उनमें पहल क्या है। दूसरा पोर्शन रहेगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। क्या पोर्शन है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक उनके काम यानी कि कार्य, वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी चर्चा करनी है। इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है, इसको समझने में आपको बहुत ही मजा आएगा। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, इनमें सब्सिडी, नगद लेन देन और राजकोषीय नीति, इनकी चर्चा यहाँ पर हमको करनी है। तो ये इकाई एक रही पेपर सेकंड के सेक्शन बी इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी की। इसको एक बार उसी में थोड़ी सी और चीजें हैं जो रह गई थी इकाई एक में, इनमें यह देखना है लोक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं कुछ चुनौतियां हैं, गरीबी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, क्षेत्रीय असंतुलन की चर्चा हमें करनी है कि कोई राज्य का विस्तार तो एकदम या विकास तो एकदम ज़्यादा है लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है और वो जो राज्य विकसित हैं अन्य राज्यों की तुलना में उन्होंने ऐसा क्या किया है या वे किस तरीके से आगे बढ़े हैं कि उनके राज्यों की अर्थव्यवस्था इन पिछड़े राज्यों से इतने आगे है। तो इसको हम तुलनात्मक रूप में अध्ययन करेंगे और इसी तरीके से मेंस में हमें लिखना है चीज़ें। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ों को बिल्कुल इजी वे में समझना है, मेंस उतना कठिन नहीं है, सामान्य चर्चाएं हैं जो आप हम सभी जान सकते हैं, बस थोड़ा सा है तो ध्यान लगाकर उनको पढ़ने की, एग्जाम ओरिएंटेशन की, बस इससे ज़्यादा मेंस में कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। यदि हम मेंस लिखते समय उसको प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर से जोड़ के लिखें, उदाहरण समेत लिखें, तो हमें ये रहेगा कि अन्य बच्चों की अपेक्षा, रटने की अपेक्षा, सामान्य कॉन्सेप्ट की अपेक्षा जब हम करंट अफेयर्स को रिलेट करके ये चीज़ें लिखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं और मेंस निकलने की हमारी संभावना बहुत ही क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें हम थोड़ी और आगे बढ़े का एक में जिनमें भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है कि मान लो चीन से हम 100 रुपये का व्यवसाय कर रहे हैं और 80 रुपये का हमने खरीदा, 20 रुपये का बेचा है, तो खरीदा है तो वो 80 रुपये तो गए किसके पास? चीन के पास। तो यहाँ ये मतलब हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन किसके पक्ष में कहा जाएगा, ये किसके पक्ष में कहा जाएगा, ये चीन के पक्ष में कहा जाएगा। यही भारत में एक बड़ी समस्या बनी है, जो हम विदेशों से ज़्यादा आयात कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। इसका फर्क ये पड़ता है कि हमारा जो रुपया है वो सस्ता होता है, डॉलर क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी पूंजी है, वो कम हो जाती है, भारत में इसके फलस्वरूप महंगाई बढ़ती है। ये तो छोटा सा पोर्शन है, इसको विस्तृत तरीके से मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। तो आगे बात करें विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात और निर्यात, इन सभी नीतियों की हमें यहाँ पर क्या करनी है, चर्चा। यहीं पर हमें चर्चा करनी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, एशियाई विकास बैंक की, विश्व व्यापार संगठन की चर्चा करेंगे हम, आसियान की चर्चा करेंगे, सार्क की चर्चा करेंगे और नाफ्टा एवं ओपेक, ये महत्वपूर्ण संस्थान हैं या महत्वपूर्ण संगठन हैं जो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है। इसको एक बार इंग्लिश में देखें, थोड़ी जल्दी जल्दी देखेंगे। वी विल सी इन इंग्लिश व्हाट इज दिस।
इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया. नेक्स्ट पोर्शन इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, फंक्शन फाइनेंशियल इंक्लूजन, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स, फीचर्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, कैश ट्रांजैक्शन एंड फिस्कल पॉलिसीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बेलेंस ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, मल्टीनेशनल FDI, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एंड ओपेक. दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ए डिस्क्रिप्टिव मैनर फॉर द कंसर्न ऑफ MPPSC मेंस. दूसरा पोर्शन अर्थव्यवस्था में, दूसरा पोर्शन हर बार हमें यह ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ जैसे हम राजनीति पढ़ रहे हैं वर्ल्ड के संदर्भ में देखेंगे, फिर इंडिया के कॉन्सेप्ट में कंसर्न में देखेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश की सेम चीज़ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड लेवल पे क्या है, इंडियन लेवल पे क्या है और MPPSC में मध्य प्रदेश के लेवल पे क्या है. तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि MPPSC के मेंस में, फर्स्ट पेपर में भी, उसके फर्स्ट सेक्शन में, उसके सेकंड सेक्शन में, सेकंड पेपर में भी, उसके फर्स्ट सेक्शन में और उसके सेकंड सेक्शन में, और आगे आने वाले फोर्थ पेपर में मध्य प्रदेश का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रहेगा आपके पास. मध्य प्रदेश का इतिहास भी पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का भूगोल भी पूछा जाएगा, वहीं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश का समाज, मध्य प्रदेश का साहित्य, मध्य प्रदेश का पर्यटन, मध्य प्रदेश से लेके जो भी पोर्शन इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था, ये सभी चीज़ें मध्य प्रदेश के कंसर्न में आपको स्पेसिफिक वे में ज़रूर देखना है, क्योंकि हर पेपर में ये पोर्शन आ ही रहा है. ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में इकोनॉमिक्स को देखेंगे, जहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलें कृषि जोत, क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों का उत्पादन एवं वितरण, फसलों का उत्पादन एवं वितरण, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पशुपालन आदि के मुद्दे और उनकी समस्याएं क्या हैं. ठीक है, फिर आगे कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण, विपणन से संबंधित समस्याएं एवं उनकी चुनौतियां हैं, क्योंकि किसान हितैषी योजनाएं कितनी ही सरकार चालू करती है लेकिन किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है ना. तो इन चीज़ों को हमें विशेष संदर्भ में देखना है, ताकि जो कमियाँ हैं वो हम शासन में जा कर के पूरी कर सकें. मैंने पहले ही कहा था कि सिलेबस क्या है और वो क्यों है. तो जब आप MPPSC की परीक्षा देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बनना क्या है. आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, एक जिला चलाने वाला या विकासखंड चलाने वाला व्यक्ति बनना है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है. ये कोई जॉब नहीं होती है, ये एक प्रकार की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है. तो जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग ही ये सिलेबस रहेगा. ध्यान रखें उतना कठिन नहीं है, आपको एक कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले से ही अपने आप को अधिकारी मानकर इस चीज़ों को पढ़ना है. तो कृषि से संबंधित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आगे हम देखेंगे, और इसमें सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है उसकी भी हम चर्चा करेंगे. फिर मध्य प्रदेश का जो आधारभूत ढांचा एवं संसाधन है वो, मध्य प्रदेश के जनांकिकी परिदृश्य और इसका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है. मध्य प्रदेश का जो जनांकिकी परिदृश्य है उसका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है. औद्योगिक क्षेत्र समृद्धि प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ क्या हैं मध्य प्रदेश के कंसर्न में, उनको देखना है. फिर मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चरण यानी ट्रेंड्स को हमें इकाई दो के अंतर्गत इसमें देखना है. यूनिट टू ये मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट से संबंधित है, इसको एक बार इंग्लिश में फिर से देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमें करना क्या है, चर्चा कर लें. सबसे पहले हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो मेजर क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर होल्डिंग्स हैं, क्रॉप मॉडल्स हैं, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, ये देयर इम्पैक्ट, इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इश्यूज
एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मेथड्स, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद पोल्ट्री, डेयरी, डेयरी के संदर्भ में, फिश एंड एनिमल के संदर्भ में, उसके बाद हम देखेंगे हस्बेंड्री के संदर्भ में, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ी समस्या स्टोरेज, और ज़्यादा बड़ी समस्या मार्केटिंग, ये भी बड़ी समस्या वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इसमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का पोर्शन ये आपके सामने रहेगा, तो इसको भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमें देखना है। इसके बाद डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पोर्शन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ ट्रेंड एंड चैलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वेरियस स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द सेकेंड यूनिट ऑफ पेपर सेकेंड। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इकाई तीन, क्या देखना है हमें, इकाई तीन यानी कि मानव संसाधन विकास, क्या देखना है, मानव संसाधन विकास। इसमें मानव संसाधन के विकास के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है शिक्षा का, क्या होता है, शिक्षा का, क्योंकि मानव संसाधन का जब हम विकास करेंगे तो मानव संसाधन के डेवलपमेंट के जो शुरुआती नीड्स हैं वो होती हैं लोगों में, लोग शिक्षित हों, और दूसरी चीज लोग स्वस्थ हों। जितने ज़्यादा शिक्षित और स्वस्थ लोग होंगे वो उतना ही बेहतर तरीके के संसाधन के तौर पे अपना प्रदर्शन करेंगे और भारत के राज्य के और अपने शहर के विकास में क्या होंगे, सहायक होंगे, क्योंकि अशिक्षित और अस्वस्थ लोग उनको हम एक प्रकार से बोझ की तरह ही देख सकते हैं, वो हमारी उल्टी क्या बन जाते हैं, जिम्मेदारी बन जाते हैं। तो इस पोर्शन पे भी गवर्नमेंट को बहुत ही काम करना है, इसलिए ये पोर्शन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, साथ ही साथ तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा, ठीक है, फिर व्यावसायिक शिक्षा, इसकी गुणवत्ताएं, और अलग से बालिकाओं की शिक्षा, इसको देखना है। कई वर्ग ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित मुद्दे और उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम अलग से गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो हमें ऐसे सेक्शन को देखना है, निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे, और यहाँ पर इंडियन सोसाइटी की एमपी से समाज की बात करेंगे हम, और उनके वेलफेयर स्कीम यानी कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करेंगे। पहले नंबर होता है निःशक्त वर्ग, दूसरे नंबर पे वृद्धजन, फिर छोटे बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, समाज की परिधि पे खड़े लोग, ठीक है, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप जो विस्थापित वर्ग हैं, मान लीजिए कहीं पर गवर्नमेंट का कोई काम चल रहा है और उस भूमि पर जन समुदाय रह रहा हो और उस विकास परियोजना के फलस्वरूप उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ा हो, जैसे अभी हम नर्मदा बांध की बार बार चर्चा आती है कि उसके बांध के उड़ने से वहाँ से कई लोग विस्थापित हुए हैं, तो उनके लिए अलग से क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, तो ऐसे विस्थापित वर्गों के संबंध में भी विशेष कार्य करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है, और उसका अध्ययन हमारे लिए मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको एक बार हम इंग्लिश में देखते हैं, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इट इज एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन इज सोशल इश्यूज, यानी कि सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज रिलेटेड टू द फॉलोइंग क्लासेस एंड देयर वेलफेयर प्रोग्राम्स, और उनसे संबंधित वेलफेयर प्रोग्राम है। फर्स्ट इज डिसेबल्ड क्लासेस, एल्डरली, चिल्ड्रन, वुमन, सोशली डिप्राइव्ड क्लास, डिस्प्लेस्ड क्लास एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ओके। इकाई चार में हमें क्या देखना है, इकाई चार जो है इसकी वो है
फिर समाज से संबंधित है, सोसाइटी से इसका मैटर कंसर्न करता है। ये पहला नंबर तो इसका है सामाजिक समरसता के घटक। फिर सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, संस्कृति इसके बारे में विशेष चर्चा करना है। भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर की विशेषताएं क्या हैं उनको भी हमें चर्चा करना है। फिर भारत, ये हम भारत के काय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें चौथा पेपर जो है ये हमें भारत के समाज का दर्शन करा रहा है। काय का दर्शन करा रहा है, भारत के समाज का, ध्यान रहे ये। फिर उसके बाद संस्कार, विविध संदर्भ, महत्वपूर्ण चीज़ है वर्ण व्यवस्था, इसको भी समझना है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है। जैसे कि गांधी जी का जो विचार वर्ण व्यवस्था के संबंध में था वो उन्होंने इसको गलत नहीं माना, उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो वर्ण व्यवस्था है अपने कर्म के अनुसार अपना वर्ण बदल सकता है। जाति व्यवस्था है उसको मैं पर्सनली ठीक नहीं मानता हूँ, वर्ण व्यवस्था को मैं गलत भी नहीं मानता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इन चीज़ों को देखना है। और भारत में या विवाह की जो पद्धतियाँ हैं वो किस तरह की हैं उनकी भी हमें चर्चा करनी है। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर प्रसार शिक्षा, उसके बाद पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओस की भूमिका, स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ, कुटुंब न्यायालय, इसकी भी हमें चर्चा करनी है। इसी को हम एक बार इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में हम कैसे देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ सोशल हार्मनी, कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, संस्कृति, डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, वर्ण सिस्टम, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, इफेक्ट ऑफ रिलीजन एंड फेथ ऑन सोसाइटी, मेथड्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रसार शिक्षा, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस इन पंचायती राज कम्युनिटी डेवलपमेंट, न्यू ट्रेंड्स इन रूरल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ सेल्फ सर्विस एंड कुटुंबा कोर्ट। दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ पेपर सेकंड, सेक्शन बी। इसके बाद जो पोर्शन है वो फिर देखेंगे हम, जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य की शिक्षा, सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण, ये पोर्शन हमें ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व और उत्सव, इनकी चर्चा, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार। इसके बाद ये बार बार आएगा आपके सामने, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षण, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों के संदर्भ में। फिलहाल तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप मान के चलिए, क्योंकि कोरोना का ये पोर्शन आपके सामने चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम, इनको देखना है। इसको एक बार हम इंग्लिश में भी देखते हैं। पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, नेक्स्ट इज ट्राइबल स्टेटस, सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम्स, बिलीफ्स, मैरिज, किनशिप, रिलीजियस बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस प्रिवेंटिंग अमंग द ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, फीमेल एजुकेशन, फैमिली हेल्थ, बर्थ डेथ इश्यूज, काजेज एंड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स,
फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टेक्निकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स पर्पस, स्ट्रक्चर, वर्क एंड इट्स प्रोग्राम. दिस इज द यूनिट फिफ्थ वी हैव सॉ. यहां पर हमने पेपर एक को समझा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, 150 अंक में. दूसरे पेपर को भी हमने समझा, उसका सिलेबस देखा, उसको भी हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया. इसके बाद हम देख रहे हैं पेपर थर्ड, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है. थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पानी पी लूँ. चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेपर थर्ड के, जिसका नाम रखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक. इसमें कुल 10 इकाइयाँ हमने पहले ही बताया था. तो यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ इकाई एक की. इकाई एक पढ़ाऊँगा मैं आपको, इकाई दो पढ़ाऊँगा, इकाई तीन पढ़ाऊँगा, इकाई छः पढ़ाऊँगा, ठीक है. पेपर थर्ड का ये महत्वपूर्ण पोर्शन रहेगा. पहले बात करते हैं इकाई एक के पहले पोर्शन, जिसमें कार्य, बल एवं ऊर्जा. कार्य में बल में गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य. उसके बाद दूसरा इकाइयां और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण. फिर उसके बाद गति, वेग, त्वरण, इसकी चर्चा. उसके बाद ध्वनि, ध्वनि की परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि. फिर उसके बाद शोर और संगीत ध्वनि. फिर उनसे संबंधित शब्दावली क्या है. फिर उसके बाद आयाम. उसके बाद तरंग लंबाई. कंपन की प्रकृति क्या है, आवृत्ति क्या है, इसकी चर्चा करेंगे. अगला पोर्शन है विद्युत का, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेल, परिपथ, इनकी चर्चा करेंगे. फिर उसके बाद आ जाता है चुंबक, उसके गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग, इसकी भी हमें चर्चा करनी है. इसके बाद अगला पोर्शन है प्रकाश का, जिसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस में प्रतिबिंब निर्माण की चर्चा हम करेंगे. और ऊष्मा एवं तापमापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण. तो गाइस, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि फिर आपको दोबारा कहीं पर भी पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसको एक बार इंग्लिश में देख लें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं. द फर्स्ट पोर्शन इज वर्क फोर्स एंड एनर्जी. वर्क फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड वर्क, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ. साइंस जो रहेगी आपकी डे टू डे लाइफ से संबंधित ही पेपर में पूछी जाएगी. नेक्स्ट पोर्शन इज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट साउंड, डेफिनेशन, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन. उसके बाद ऑडियो एंड इनऑडियोबल साउंड, नॉइज एंड मसल साउंड, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. पावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सर्किट, इनको देखना है. नेक्स्ट है मैग्नेट, इट्स प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चर्स एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नेक्स्ट है लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट है क्या हो गया, चलिए 2 मिनट, आ गया है. ठीक है. जो लास्ट पोर्शन इसका रहेगा वो रहेगा
हीट का है, जिसमें हम थर्मोमीटर, ठीक है, ऊष्मा उसका जो कन्वर्जन है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, हीट कन्वर्जन की बात करेंगे। दूसरी इकाई इसकी जो है वो केमिस्ट्री से संबंधित है। पहला फिजिक्स का पोर्शन है, दूसरा इकाई का पोर्शन है केमिस्ट्री का है। इसमें हम देखेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या देखेंगे हम? ये तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनको हम देखेंगे, इनकी परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर इनकी उपलब्धता। अगला पोर्शन रहेगा पदार्थों का, जिसमें धातु और अधातुओं में आवर्त सारणी एवं आवर्तता की चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद रहेगा परमाणु का पोर्शन, जिसमें परमाणु संरचना, संयोजकता बंध, परमाणु संलयन और विखंडन की चर्चा हम करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन इसका अम्ल, क्षार और लवण, इनका पीएच मान और उसके सूचक। और उसके बाद रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और डेली लाइफ में केमिस्ट्री, दैनिक जीवन में रसायन क्या है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इसको हम इंग्लिश में भी देख लें, क्या है, एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, डेफिनेशन, केमिकल सिंबल्स, प्रॉपर्टीज, अवेलेबिलिटी ऑन अर्थ। फिर क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन मैटर, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद एटम्स की हम चर्चा करेंगे, एटमिक स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन की बात हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। एसिड, बेस एंड साल्ट, पीएच वैल्यू एंड इंडिकेटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल या केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिकल्स इन डेली लाइफ में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला पोर्शन पेपर थर्ड में जो सबसे ज़्यादा कवरेज मेरे अकॉर्डिंग आपको देगा वो यही पोर्शन होगा, इकाई तीन होगा। क्या होगा? इकाई तीन। यहाँ पर 300 नंबर में से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि लगभग 60 से लेके लगभग 90 नंबर, कितने नंबर? 90 नंबर, 60 से लेके 90 नंबर का ये पोर्शन आपके लिए कवरेज देगा। दिख तो रहा है ये छोटा पोर्शन, लेकिन है ये बहुत ही बड़ा। पहला पार्ट इसमें जो है वो है सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि से संबंधित, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में ये मामला चल रहा है, ठीक है। दूसरा पोर्शन है कोशिका, उसके संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण, ठीक है, कोशिका, ऊतक, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन रहेंगे, चाहे आप MPPSC की बात करें और चाहे मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा की आप बात करें, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन रहेगा इकाई तीन पेपर थर्ड की, सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी की भी चर्चा करेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी को आप तब समझ पाएंगे जब आप बेसिक बायोलॉजी, डेली साइंस एंड डेली लाइफ, जनरल साइंस का ये पोर्शन जो कि बायोलॉजी से संबंधित होता है, ह्यूमन लाइफ से संबंधित होता है, इसको समझेंगे। क्योंकि ध्यान रखें, पेपर में आपसे वही पूछा जाता है जो डायरेक्टली आपको या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से आपकी डेली लाइफ से संबंधित होता है। तो ये बायोलॉजी जिसमें हम बात कर रहे हैं कोशिका की, मानव शरीर के अंगों की, जीवों में श्वसन या इन सब चीज़ों का, ये इकाई तीन जो डायरेक्ट आपकी लाइफ से रिलेटेड होती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये करंट अफेयर से भी ज़्यादा रिलेटेड होती है। ध्यान रखें कि कोशिका के संबंध में नई चीज़ें या नई खोज क्या है, ठीक है। यहाँ से भी इसको प्रॉपर लिंकिंग विद इन करंट अफेयर्स करके हम और तरीके से, सुदृढ़ तरीके से इसको पढ़ पाएंगे। फिर पौधों और पशुओं में, मनुष्यों में न्यूट्रिशन, यानी कि हमने बात काई करी है पोषण की। इसके बाद हमें यहाँ पर चर्चा करना है संतुलित आहार की, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जो कमी या वृद्धि है उनकी हम चर्चा करेंगे। विटामिन्स की चर्चा करेंगे, हीनताजन्य रोगों की चर्चा करेंगे, हार्मोन्स की चर्चा करेंगे, मानव शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनकी चर्चा करना है, उनकी संरचना एवं कार्य प्रणाली क्या है उसकी भी हमें चर्चा करनी है। तो ये इतना हल्का नहीं है, कई बार आपने देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस में या कई ऑनलाइन क्लासेस में उतने गहराई तरीके से बायोलॉजी को नहीं पढ़ाया जाता है जिस तरीके से वो पेपर में पूछी जाती है। और आगामी MBPSC मेंस के पेपर थर्ड में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो रहेगा पेपर थर्ड का रहेगा, मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ।
और मैं यही पढ़ाने आपको यहाँ पर शुरुआत इसी सब्जेक्ट के साथ आपकी कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जीवों में श्वसन, काय की चर्चा कर रहे हैं, जीवों में श्वसन, पशुओं और पौधों में परिसंचरण या परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, फिर पशुओं और पौधों में प्रजनन यानी कि हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर स्वास्थ्य, स्वच्छता, बीमारियाँ। करंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कोई चल रहा है तो यही वाला मैटर आपके सामने चल रहा है, कौन कौन सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियाँ। इसको करंट अफेयर से लिंक करते हुए मैं पढ़ना है आपके सामने, फिर मैं कोरोना की चर्चा यहाँ पर करूँगा, कोरोना, एड्स, हेपेटाइटिस या जो अन्य बीमारियाँ हैं जिनके संबंध में हमारी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, बहुत ही लंबे समय से इनको हटाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टीवी भी इनमें महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको एक बार इंग्लिश में देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट पोर्शन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन, बैलेंस्ड डाइट, विटामिंस, इन्फेरियर डिसीजेस, हॉर्मोन्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, मानव सजीव में या जीवों में श्वसन किस तरीके से होता है। श्वसन को हमें पौधों में भी पढ़ना है, प्लांट्स में भी पढ़ना है, जंतुओं में भी पढ़ना है, यानी कि एनिमल्स में भी पढ़ना है। एक बार आप क्लास जरूर ज्वाइन करके देखिए मेरी, आपको बहुत ही मजा आएगा और बड़े बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगा, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पोर्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल एंड प्लांट्स, फिर उसके बाद क्या है, ब्रीडिंग एंड एनिमल एंड प्लांट्स, हेल्थ एंड हाइजीन्स एंड डिसीजेस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। सो गाइस, इस इकाई 3 को मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस पर विशेष फोकस है क्योंकि, और आगे बढ़ते हैं इसके संबंध में। अगला पोर्शन है वो विज्ञान का जो कंप्यूटर और तकनीक से संबंधित वाला पोर्शन है, इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीढ़ी। दूसरा पोर्शन हमें देखना है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देयर यूजेस और उनके उपयोग। फिर उसके बाद कंप्यूटर की भाषाएं, लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। नेक्स्ट पोर्शन इज ई गवर्नेंस, नेक्स्ट इज सोशल मीडिया एंड यूजेबल पोर्टल एंड साइट्स एंड वेब पेजेस, उपयोगी पोर्टल, साइट और वेब पेजेस, इनकी हमें चर्चा करनी है। इकाई 5 की हम बात करेंगे, इकाई 5 भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि गणित से संबंधित है, इसमें हम बात करेंगे संख्या एवं प्रकार, किस तरीके से इसको हमें मेंस के लेवल पे हमें लिखना है उसकी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये सी सेट में भी पूछी जाती है। इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि प्रतिशत, उसके बाद साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, ये पोर्शन हमें यहाँ पर कवर करने हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, सबसे पहले नंबर एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, उसके सांख्यिकी में प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य माध्यिका, बहुलक, विचार विचरण, फिर शीलता की माप, उपरा आदर्श के प्रकार। इसको इंग्लिश में आप एक बार देखें, जल्दी जल्दी इसको देखें इंग्लिश में हम, नंबर एंड टाइप, मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट, उसके बाद इक्वेशन एंड फैक्टर्स, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेशो प्रोपोर्शन। सेकंड पोर्शन स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन एंड मीडियन पॉलीमर के परस्पेक्शन में, मेजरमेंट ऑफ वेरियंस, मॉडलिटी, टाइप ऑफ मॉडल। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं इकाई 6, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये भी फिर से, इसको आप देखिए पहला पोर्शन जो इसमें लिखा है ये, इसको हम, मैं जब आपको इकाई 3 पढ़ा रहा हूँगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग और उनसे संबंधित उनकी रोकथाम और भारत सरकार के प्रयास, वहाँ पर मैं ये चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम। तो ये यूनिट भी, ये इकाई भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। इसका तो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने निकाला है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, इसमें हम देखेंगे कि टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके क्या उपयोग हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जिसको आज की हम यदि बात करें तो ग्लोबल
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न संक्रामक रोगों से बचने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई प्रकार के टीका यानी कि वैक्सीन लगाए जाते हैं, उनके संबंध में चर्चा है। भी रोग कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, उनकी रोकथाम क्या है, उनका टीकाकरण कब किसको, महिलाओं से संबंधित टीके होंगे, छोटे बच्चों से संबंधित टीके होंगे, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक पोर्शन और जुड़ा हुआ है हेल्थ वाले पोर्शन में, जो कि है आयुष चिकित्सा पद्धति। जो इसके जो पांच पोर्शन होते हैं, आयुष का मतलब होता है ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग, है ना, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध, यानी कि सिद्ध पुरुष की हम यहाँ पर बात करेंगे जो रहे हैं, पतंजलि की चर्चा करेंगे ऐसे, और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये हो गया आ वाई यू एस और ये एच हो गया ना, तो आयुष, इसकी इस तरीके से हम चर्चा करेंगे। ये चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी क्या है, थोड़ा सा पोर्शन ये हम चर्चा करेंगे। ये भी बड़ा करंट अफेयर्स का मैटर ये बन जाता है। मैंने बताया ना कि यदि आप मेंस में करंट अफेयर्स को प्रॉपर लिंक करके यदि आप लिखते हैं तो आपके साथ बहुत ही अच्छी मार्किंग आपको मेंस में प्राप्त होगी और आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। उसी परफेक्शन में यह है, केंद्र एवं राज्य शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आना है आपके एग्जाम में। केंद्र सरकार ने कौन सी चलाई है, राज्य सरकार ने कौन सी स्कीम्स चलाई हैं, वो कब शुरू की गई, उनके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, किस रोग के लिए हैं, कितना लाभ हुआ है, क्या कमी रह गई है, इतना पूरे डायमेंशंस खींच के हमें उसको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन जो हैं, अब भाई योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, उनसे संबंधित कौन से संगठन जो हैं उनके पोर्शन में काम करेंगे वो भी हमें ये देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको इंग्लिश में देखें। फर्स्ट पोर्शन इज इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड देयर प्रिवेंशन, नेशनल इम्यूनाइजिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजिंग प्रोग्राम के तौर पर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर क्या है, आयुष मेडिकल मेथड्स, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, है ना, और उसके बाद यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध पुरुष, एच फॉर होम्योपैथी पैथी, इनकी शुरुआती जानकारी हमें ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ध्यान रखना मित्रों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन इकाई तीन में आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों पोर्शन कौन कौन से, इकाई तीन की बात करें और इकाई छः की बात करें, लगभग आपका 100 से 120 नंबर का ये पोर्शन आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर थर्ड की यूनिट 6 के बाद हम बात करते हैं इसकी यूनिट 7 की, इसको भी हमें विशेष तौर पर देखना है क्या लिखा हुआ है। इसको देखें, पहला पोर्शन इसको हम पढ़ें, क्या लिखा है, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की लिमिट्स सीमाएं क्या हैं, इसकी हमें चर्चा करनी है। दूसरा पोर्शन क्या है इसमें, दूसरा पोर्शन है रिमोट सेंसिंग का इतिहास, रिमोट सेंसिंग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, भारत में रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में सामान्य जानकारी हमें लेना है। उसके बाद फिर हमें चर्चा करनी है इसरो की, उसके बाद हम चर्चा करेंगे RRCAT, उसके बाद हम चर्चा करेंगे SDSC, उसके बाद DRDO, उसके बाद BARC, उसके बाद टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, फिर वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, कहने का मतलब है NARL, तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC, इसको मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको हिंदी में बता रहा हूँ, LPSC। फिर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद यानी कि SEC, फिर इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु IDSN, इंडियन स्पेस साइंस टाटा सेंटर बेंगलुरु ISSDC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSC, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम IIST, फिर उसके बाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन
केंद्र हैदराबाद NRSC, उसके बाद IIRS यानी भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून, मुक्त संस्थानों की सामान्य उपरोक्त संस्थानों की सामान्य जानकारी। ठीक है, इसको एक बार इंग्लिश में देखें। इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, लिमिट्स ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, इसको हमें पढ़ना है। फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर IRCAT, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा SDSC, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक रिसर्च मुंबई यानी कि TIFR। आगे नेशनल, इसी यूनिट 7 का आगे का जो पोर्शन है, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी तिरुपति NARL, उसके बाद है लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम सेंटर बेंगलुरु LPSC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद SAC, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु IDSN, इंडियन स्पेस साइंस टाटा सेंटर बेंगलुरु यानी कि ISDC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम VSSC, इसके बाद IISC, NRSC, IIRS एंड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ओपन इंस्टीट्यूट्स जो कि यहाँ पर लिखे हैं। इकाई 7 का जो आगे वाला पोर्शन है वो है, हमें ये ध्यान देना है कि भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं, उनके फीचर्स क्या रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ये पोर्शन फिर आ गया आपके सामने। जैव प्रौद्योगिकी, फिर आ गया आपके सामने, क्या आ गया, जैव प्रौद्योगिकी, उसकी परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग, क्लोनिंग, रोबोट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनके पूरे डायमेंशन हमें देखना है। ऐसा नहीं कि क्लोन सकेला पढ़ लिया। बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, कहने का मतलब है जैसे हम कोई भी चैप्टर या कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, जैसे हमने बात करी काय की क्लोन्स की, तो उसके पूरे आयाम हमें देखना है। पहला आयाम क्या हो जाएगा, क्लोन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, है ना, और ह्यूमन डेवलपमेंट पर इसका प्रभाव क्या रहा है। कहने का मतलब है राउंड फिगर में हमें इसके पूरे डी देखना है। पूरे डी देखने का मतलब ये होता है कि जितने भी डायमेंशन इनके हो सकते हैं वो सभी के सभी हमें क्या करने हैं, देखने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इकाई 7 में थोड़ी सी और चीज़ें हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, जिनमें हम चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, विश्वेश्वरैया श्रीनिवास रामानुजम, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र राय, इनकी चर्चा करना है। विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से रहे हैं, उनकी भी चर्चा करना है। इसके बाद चर्चा करते हैं इकाई 8 की। इकाई 8 जो पोर्शन रहेगा वो आपका पोर्शन है एनर्जी से है। काय से है, एनर्जी से, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं, उनका अर्थ, उनकी परिभाषा, उदाहरण और उनमें अंतर, ये चीज़ें हमें देखना है। फिर ऊर्जा से ऊर्जा दक्षता की हम चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा के उत्पादन, उत्पादन योजना, नियंत्रण और रखरखाव की भी हमें चर्चा करनी है। फिर उसके बाद ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और उनसे संबंधित चुनौतियाँ, उसके बाद ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी हमें चर्चा करनी है, जैसे वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, इसकी हमें चर्चा करनी है। इसको इंग्लिश में फिर देखें, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी,
मीनिंग डेफिनेशन एग्जाम्पल्स डिफरेंसेस एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी मैनेजमेंट री ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फंक्शंस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद अगला पोर्शन है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक करंट सिनेरियो एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स वी कैन सी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बायो एनर्जी बायोमास एनर्जी दीज ऑल आर वी हैव टू स्टडी इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर। फिर हम आगे बात करें पर्यावरण की इकाई नौ जो है इकाई नौ यहां आपके सामने जो आ रही है इकाई नौ में हम चर्चा करेंगे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं हम पर्यावरण की परिभाषा क्षेत्र एवं आयाम यानी कि ये पोर्शन जो है एनवायरनमेंट का है। नौवीं इकाई की रहेगी पर्यावरण की, पर्यावरण क्या है उसकी परिभाषा क्षेत्र आयाम भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षणिक। ठीक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक आदि भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा ये चर्चा करनी है। उसके बाद मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण परिवर्तन इन चीज़ों को चर्चा करना है। फिर वही चीज़ पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां पर्यावरण क्षरण के कारण प्रभाव और उनका निदान इसकी चर्चा करना है। पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम कौन से हैं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित जो हैं उनकी हमें चर्चा करना है। पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी ऊर्जा संरक्षण और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान पर्यावरण संरक्षण की नीतियां डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एरिया एंड डायमेंशन फिजिकल इकोनॉमिकल कल्चरल एजुकेशनल साइकोलॉजिकल एट्सेट्रा कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड environmental impact of human activities, environment related ethics and values, biodiversity, environmental pollution, environmental changes, okay, problems and challenges related to environment causes and effect of environmental degradation, environmental awareness environmental awareness program and relations to health safety environmental adaptation technology conservation of energy constitutional provisions for environmental protection policies regulatory frameworks। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पेपर की अंतिम और दसवीं इकाई जो कि पेपर थर्ड की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं यहां पर हम देखेंगे भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा महत्व पृथ्वी भूपर्पटी मेंटल कोर स्थलमंडल जलमंडल ये भी पर्यावरण का पोर्शन है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु भूवैज्ञानिक समय सारणी शैल चट्टान परिभाषा प्रकार अग्नि अवसादी कायांतरित शैल खनिज एवं अयस्क जीवाश्म में अपरदन मृदा निर्माण भूमिगत जल प्राकृतिक कोयला और प्राकृतिक तेल एवं गैस इतनी चीज़ों की चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। इन इंग्लिश वी विल सी डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी अर्थ अर्थक्रस्ट मेंटल कोर लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर ओरिजिन एंड
एज ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम टेबल, सेल रॉक, डेफिनेशन, टाइप, फायर, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, मिनरल एंड और एंड फॉसिल एंड इरोजन, सोइल सोइल फॉर्मेशन, ग्राउंड वाटर, नेचुरल कोल एंड नेचुरल ऑयल एंड गैस। तो ये हमने तीसरा पेपर देखा जो कि विज्ञान और तकनीक से संबंधित था, ठीक है। इसके बाद हमें बात करना है पेपर फोर्थ की, पेपर सिक्स की और पेपर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो पेपर फोर्थ में हमें यहां पर दार्शनिक विचारक और समाज सुधारक, इन लोगों की चर्चा करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर बुद्ध, जो दार्शनिक विचारक रहे हैं जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य किया है, आचार्य शंकर, चार्वाक, ये भी महत्वपूर्ण रहे हैं, गुरु नानक जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, श्री राजा राम मोहन राय जी, सावित्रीबाई फुले जी, दयानंद सरस्वती जी, स्वामी का विवेकानंद, महावीर, अरविंद एवं सर्वपल्ली राधा कृष्णन। दीज ऑल आर द फिलोसोफर एंड थिंकर, सोशल रिफॉर्मर्स, जिनको हमें यहाँ पर देखना है। इसके बाद ये हम बात कर रहे हैं पेपर फोर की। पेपर फोर क्या का है? फिलोसफी का है, साइकोलॉजी का है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका दो जगह आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहले नंबर हम देखेंगे यहाँ पर इकाई दो में मनोवृत्ति, विषय वस्तु, तत्व, कार्य मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति का परिवर्तन, प्रबोधक, फिर उसके बाद संप्रेषण, पूर्वाग्रह, विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता जो है जिसको बोलते हैं बायस्ड मानसिकता, उसको देखना है हमें यहाँ पर। फिर उसके बाद अगला पोर्शन है अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य या योग्यताएं, जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थता, असमर्थवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहानुभूति, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा, इन चीजों को हमें देखना है। फिर उसके बाद है सांवेगिक बुद्धि, इसकी अवधारणा, प्रशासन शासन में इसकी उपयोगिता, अनुप्रयोग और वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है। इसको एक बार इंग्लिश में भी हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे, साइकोलॉजी, कंटेंट, एलिमेंट्स, फंक्शन, क्रिएशन ऑफ माइंड, चेंज ऑफ माइंड, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एप्टीट्यूड एंड पब्लिक सर्विस, ट्रू लॉयल्टी, उसके बाद फेयरनेस, वी विल सी डिसेबल्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटीज, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, सिंपैथी, टॉलरेंस, सेंसेशन एंड कंपैशन फॉर वीकर सेक्शन। नेक्स्ट पोर्शन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? सांवेगिक बुद्धि मत्ता, इट्स कंसेप्ट, इट्स यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इंडिविजुअल वेरिएशन, इन चीजों को हमें देखना है। फिर उसके बाद है मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरण, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरण, यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन आ जाएगा। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, ये पूरा का पूरा पेपर जो है एथिक्स का है, और एथिक्स का डायमेंशन हम हर पोर्शन में क्या करेंगे, खींचेंगे। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नैतिक गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व जैसे सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक द्वंद, नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, शासन में उच्च मूल्यों का पालन, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। इकाई चार,
जो कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार के प्रभाव को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं व्हिसलब्लोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार पर मापन, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, लोकपाल एवं लोकायुक्त की चर्चा, और इकाई 5 महत्वपूर्ण है। 1, 2, 3 और 4 में मैंने पहले ही आपको एग्जाम पैटर्न बताया था, अलग तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्कर भी होंगे, 2 मार्कर भी होंगे, 5 मार्कर होगा और 1 20 मार्कर होगा। उसके बाद हम केस स्टडीज की बात करेंगे, जो लगभग 20 नंबर की शायद मैंने आपको बताई थी, और ये केस स्टडी रहेगी पाठ्यक्रम पर आधारित या सम्मिलित पर कोई किसी विषय वस्तु पर, ये केस स्टडी आपसे ली जाएगी। एक बार जल्दी से इसको इंग्लिश में हम देखें। ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, मोरल वर्च्यू एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम देखेंगे एथिकल एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, एथिकल एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रू लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल रीजनिंग, मोर डायलेमा एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कॉन्शियंस पब्लिक सर्वेंट एज ए मोरल गाइडेंस, हाई वैल्यूज इन गवर्नेंस। नेक्स्ट पोर्शन इज करप्शन टाइप्स कॉजेस, मेजर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन, सोशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल ऑफ फैमिली एंड व्हिसल ब्लोअर, डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड नेशन ऑन करप्शन, मेजरमेंट ऑन करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनेशनल लोकपाल एंड लोक अदालत। फिर उसके बाद केस स्टडीज हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट कवर्ड इन द इंटायर सिलेबस। ओके, इसके बाद हमारा जो 5वां पेपर है वो रहेगा, जो कि सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का रहेगा। ठीक है, इसमें 200 अंक रहेंगे। इसकी भी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, ये हमें ध्यान देना है, ये केवल और केवल हिंदी मीडियम में ही पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा, ध्यान रखना। प्रश्न पत्र का स्तर जो है वो किस स्तर का होगा? स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आप 10वीं स्तर का इसमें पढ़ के चले जाएं। इसका उद्देश्य होगा उम्मीदवार के पढ़ने व समझने की भाषाई दक्षता, और भाषाई दक्षता के साथ साथ लेखन योग्यता, हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना। ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। सामान्यतः इसमें निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पोर्शन जो रहेगा वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा। निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 25-25 नंबर के, 3-3 नंबर के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 75 नंबर का ये पोर्शन आपसे रहेगा। दूसरा पोर्शन अलंकार का है, जिसमें शब्दालंकार क्लियरली दिया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष्मा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। यहाँ से 5 और 5 यानी कि 10 नंबर का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें यह देखना है वाक्यों का अनुवाद, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे बता रहा हूँ, वाक्यों का अनुवाद, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर ये रहेगा, ये हमें देखना है। पहला रहेगा हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी टू इंग्लिश, और दूसरा अंग्रेजी से हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, ये पोर्शन आपके सामने रहेगा। जहाँ पर आपको एक, यहाँ पर ये 15 नंबर का पोर्शन पूछा है, 25 नंबर का पोर्शन, दूसरा 15 नंबर का, कुल मिला के यहाँ पर 35 नंबर का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। अगला पोर्शन है संधि समास और विराम चिन्ह, जिससे लगभग 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। संधि समास और विराम चिन्ह ये हिंदी में ही पढ़ना है, इसलिए मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ। फिर प्रारंभिक ज्ञान एवं शब्दावली, शुरुआती ज्ञान और शब्दावली हिंदी के कंसन में आपको देखना है, प्रत्येक 2 अंक का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का ये पोर्शन आपसे फिर पूछा जाएगा।
प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली हिंदी अंग्रेजी दोनों पोर्शन में, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेटिव जो शब्दावली रहेगी वो पूछी जाएगी, मुहावरे एवं कहावतें विलोम शब्द यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। विलोम शब्द के बाद आगे पोर्शन ये रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भाव, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली, अपठित गद्यांश, उसके बाद पल्लवन और संक्षेपण। प्रश्न ये रहेगा कि रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन कीजिए, भाव पल्लवन करने से आपको 10 नंबर का पोर्शन दिया जाएगा। फिर गद्यांश का संक्षेपण करना है, ठीक है, संक्षेप में लिखना, कुल मिला के यहाँ पर 10 अंक यहाँ पर भी रहेंगे। देखेंगे आप वन वर्ड फॉर मल्टीपल वर्ड्स, वर्ड एंड करस्पॉन्डिंग वर्ड्स, सिनोनियम्स पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी रहेगी, एनसीन पैसेजेस रहेंगे, पल्लवन, ठीक है, एब्रीविएशन भी रहेगा। तो ये आपका फिफ्थ पेपर, पीछे मैंने आपको बताया ये फिफ्थ पेपर आपका रहा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे छठवें पेपर की। ये भी आपका केवल और केवल पेपर जो रहेगा ये आपका फिर से दोबारा हिंदी मीडियम में ही पूछा जाएगा, ये इंग्लिश मीडियम में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, ये हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन है, इसमें पहला जो निबंध रहेगा आपका वो जो मैंने पहले भी आपको एग्जाम पैटर्न में बताया 1000 शब्दों में है, वो निम्नलिखित क्षेत्रों से पूछा जा सकता है, जैसे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, विज्ञान साइंस, धर्म रिलीजन, आध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, विज्ञान का ये पोर्शन आ गया ना, ये विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, शिक्षात्मक गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, स्वास्थ्य मार्केटिंग, नेतृत्व एवं विकास, उसके बाद सुशासन, नौकरशाही, जनजातीय विकास, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरण ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, पदार्थों के सेवन एवं दुष्प्रभाव, सोशल भी है यहाँ पर, घरेलू हिंसा, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, लगभग 1000 शब्दों में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और इसके लिए 50 अंक आपको दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी विषय पीछे पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लगभग पूरे सिलेबस जो पीछे आपने पढ़ा है उससे संबंधित, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे लाइफ साइंस से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, या किसी भी विषय से जो कंसर्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं उससे निबंध पूछा जा सकता है। तो किसी भी टॉपिक को जब आप पीछे पढ़ेंगे तो उसको इस तरीके से भी जरूर पढ़ें कि यदि यही प्रश्न, यही पोर्शन, जैसे कोरोना समसामयिक समस्या के तौर पर यदि पूछ लिया जाए, या संक्रामक रोग और भारत सरकार के प्रयास, इस तरीके का कोई निबंध यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसको हम लिख पाएं। तो हमें करना क्या है, जब हम मेंस में उन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उनको हम यही रखेंगे, उनको निबंधात्मक अप्रोच से ही पढ़ेंगे, तो जिसमें आपका प्रीलिम्स भी, मेंस भी और निबंध भी, तीनों पोर्शन व्यवस्थित तरीके से कवर हो जाएंगे। तो हिंदी एसे एंड ड्राफ्ट राइटिंग, ये इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, मैंने बताया फर्स्ट एसे, ठीक है ना, ये हिंदी में ही लिखना है, तो आप ये ध्यान रखें हिंदी में ही इसको पढ़ना है आपको। दूसरा निबंध जो रहेगा करंट इवेंट्स पर रहेगा, समसामयिक समस्याएं और उनके निदान, ये आ गया पोर्शन, समसामयिक समस्याएं एवं उसके निदान, ये आगे आ गया है ये, समसामयिक समस्याएं एवं उसके निदान, ये भी 500 शब्दों में लिखना है और 25 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। करंट इवेंट्स, चाहे वो करंट प्रॉब्लम जो हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे इंडो चाइना वॉर से हो, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी से हो, कुल मिला के चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाए, चाहे पॉलिटिक्स से पूछा जाए, चाहे इकोनॉमिक्स से पूछा जाए, चाहे साइंस पोर्शन से, चाहे हिंदी या सोशल मैटर से या इकोनॉमिकल किसी भी मामले से पूछा जाए, और यदि वो करंट से रिलेटेड है तो उसके लिए भी 25 अंक का एक क्वेश्चन जो सेकंड निबंध के तौर पे आपको लिखना है। और उसके बाद आपको राइटिंग करनी है ड्राफ्ट की, ड्राफ्ट राइटिंग थर्ड जो चीज़ आएगी वो गवर्नमेंटल हो सकता है, शासकीय हो सकता है,
अर्धशासकीय पत्र हो सकता है, परिपत्र या सर्कुलर भी हो सकता है, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक यानी स्मरण पत्रक, प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, टिप्पण लेखन आदि। लगभग 250 शब्दों का ये निबंध भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप अधिकारी बनेंगे तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ट्रेनिंग में तो आपको सिखाया ही जाएगा, यहाँ पर भी आपको सीख लेना है, पहले से ही ये चीज़ें जान के जाना है। वही चीज़ बार बार मैंने कहा था कि सिलेबस क्या है, क्यों है, सिलेबस की समझ क्या, सिलेबस का विस्तार क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये चीज़ें हमें समझनी होती हैं, उसके बाद अपनी रणनीति की हम चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड एसी के संबंध में चर्चा यहाँ पर की, फॉर्मेट राइटिंग की भी यानी कि ड्राफ्ट राइटिंग की भी चर्चा हमने यहाँ पर देखी है, जो गवर्नमेंट है, सेमी ऑफिशियल लेटर है, सर्कुलर है, एंड सो ऑन द थिंग्स आर रिटन हियर। तो इस तरीके से ये आपका सिक्स पेपर हुआ और ये लगभग जो कंप्लीट सिलेबस जो है मैंने आप सभी को मेंस का आपको बताया। आई होप कि आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आया होगा, और यदि कोई समस्या है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बागे की चर्चा अभी तक हम अगली क्लासेस में करेंगे। अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किसी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। उसी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रीलिम्स का सिलेबस समझाया था, उसके पहले एग्ज़ाम पैटर्न भी समझाया था। उसके बाद आज मैंने मेंस का एग्ज़ाम सिलेबस और इसके पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझाया। आगामी क्लासेस में अब मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, किस तरीके से पढ़ाऊँगा, कितने टॉपिक्स में वो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा और कितने डीप में मैं आपको पढ़ाऊँगा, चाहे वो प्री, चाहे वो मेंस या चाहे वो ऐसे राइटिंग, तीनों लेवल पे लेके जा करके मैं आपको साइंस आगे पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। इसके आगे थोड़ी सी और मैं बात करना आपसे करना चाहूँगा कि आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको क्या होगा, आप MBBSC और व्यापम का सब्सक्रिप्शन यदि लेते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है SWAPNIL, मेरा कोड है SWAPNIL, मेरा ये कोड यूज़ करें, इससे आपको 12 महीने की फ़ीस 7000 की जगह कितनी लगेगी, 7000 की जगह आपको लगेगी कितनी, 6300 रुपये लगेगी, और यदि आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो 8400 की जगह आपको हो जाएगी, 8400 की जगह कितनी हो जाएगी आपकी, 7560। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ही लें। इसमें होगा क्या, आपको मेरे साथ साथ अन्य कई टॉप एजुकेटर्स हैं, जो जैसे शुभम गुप्ता की हम चर्चा करें या और शुक्ला सर की चर्चा करें, राजुल मैडम की चर्चा करें और अन्य टॉप एजुकेटर्स, लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पर MBBSC और व्यापम के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 50 से ज़्यादा टीचर की टीम यहाँ पर मिल जाएगी। फिर होगा क्या, मान लीजिए आपको मेरा, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद ना आए, मेरी क्लास ना पसंद आए, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी सारी दुविधाएं मैं अपने एक ही लेक्चर में दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मेरे कोड के थ्रू यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक ही सब्सक्रिप्शन MPPSC और व्यापम का, ये एक ही सब्सक्रिप्शन आपको पूरे MP के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक्सेस दिलाएगा, और वो भी कितने साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए, यदि आप ये 7560 वाला प्लान यानी कि 2 साल वाला प्लान लेते हैं, और इसको इसमें आपको क्या होगा, 10% मेरा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो प्लीज़ ज्वाइन करें, क्लासेज अटेंड करें और अपनी तैयारी को हमारे साथ बेहतर बनाएं। यदि कोई समस्या है तो मुझे इस संबंध में ज़रूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। करना क्या है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको मेरी अपकमिंग और हमारी अपकमिंग वीडियोस के बारे में लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और मेरा कोड ये लिखा है, इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लें, मेरा कोड है SWAPNIL, सारे कैपिटल लेटर्स में, इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस,
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सभी का अगली क्लास में फिर से स्वागत रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार, राधे राधे, जय जय श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, हरिओम।